व्यक्ति से संपर्क साध कर आज जहां चौधरी ईश्वर सिंह जी को मजबूत करे, ताकत दिलाए, कोई साथी गुस्सा बैठा है तो उसको मनाने जा रहा, कोई साथी बीजेपी या कांग्रेस में नाराज बैठा है तो उसको अपने संगठन में लाने जा रहा। और ये विश्वास दिला देता हूं कि अगर एक सप्ताह तक आप सब जो इस पंडाल में बैठे हैं, इस मंडी के शेड के नीचे बैठे हैं, अगर एक एक साथी अपने आप को डॉक्टर जयसिंह चौटाला समझ कर और ईश्वर सिंह समझ कर इस मैदान में उतर के काम करेगा, तो अगर इस प्रदेश में पहले नंबर पर हमको सीट जीतने का काम करेंगे तो साथियों अभी जो चुनाव शुरू हुआ है, मनोहर लाल खट्टर जी के झूठ भी शुरू हो गए और दिन दहाड़े आजकल लगे गए औरों को झूठा बोल। एक कहावत है खट्टर साहब के लिए बोलना चाहूं, झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो। झूठ की मंडी थी, उसके दरवाजे पे लिखा था सच बोलो। ताजिया रात 5 साल में 5,000 करोड़ रुपए के तो खदानों में चोरी करी लूट बताए, जिसके आंकड़े मैंने इनकी सरकार को बताता था। 1,000 करोड़ रुपए रोडवेज के अंदर इन्हें घोटाला करने का काम। साथियों 100 करोड़ रुपए बिजली के मीटर जो दुकानों के घरों के बाहर लगाए हैं, गुजरात की कंपनियों को देकर आज इसमें घोटाला करने का काम। 24 करोड़ रुपए एससी एसटी बच्चों की छात्रवृत्ति में इन लोगों ने खाने का पास। और तो होल्डिंग लगाते हैं ना पर्ची ना खर्ची। जुडिशरी का पहला पेपर लीक हुआ, हरियाणा प्रदेश में 1 करोड़ वाला प्रतिष्ठा हुआ है। नायब तहसीलदार का पेपर 2.5 लाख में रेवाड़ी में बिकता हुआ पाएगा, लोग जेल के अंदर बंद। जुडिशरी वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कर रही। नगर निगम गुड़गांव की 120 करोड़ की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर डीसी रेट की नौकरी एमपी एमएलए मंत्री या किसी आईएएस अफसर आईपीएस अफसर की सिफारिश में आती है। तो साथियों फिर पर्ची खर्ची का सवाल कहां से आ जाता है? कोई इनसे पूछने का काम करे कि तुम इतने सच्चे हो तो बताओ, 5 साल पहले टीका आए थे, 100 बेड के अस्पताल की बात करके गए थे, अब 1 बेड भी लगाया। 5 साल पहले टीका आए थे, इस सड़क को 4 लेन करने का वादा करके गए थे, आज तक करीब 5 साल पहले टीका आए थे, नशे से मुक्ति दिलाने की बात करके गए, और अभी 5 हफ्ते पहले जब यात्रा निकली तो खुद मन से कह कर गए कि नशा इतना बढ़ चुका है। साथियों नशा लाने का काम किसने किया? कोई आप जैसा व्यक्ति तो नहीं लाया, मेरे जैसा तो नहीं लाया। अगर लाए तो बीजेपी के लोग लाए, और किसकी पनाह में? मुख्यमंत्री की पनाह में, किसी पुलिस मुख्यमंत्री है। साथियों आप खुद देखो, कह तो रहा था बस स्टॉप बड़ा बनाऊंगा, यहां सब डिपो लेके आऊंगा, तो 5 साल में 1 वादा भी टीका की जनता से मनोहर लाल खट्टर ने पूरा किया। इससे बड़ा झूठा क्या मिलेगा? जो आप लोगों के बीच में जात पात के जहर फैलाने के सिवा उसका कोई उद्देश्य नहीं। आज तो हमारे प्रदेश को 4 बार आग लगा, आज हमारे प्रदेश के अंदर 80-90 लोगों पर सरकारी गोलियों से उनकी जान लेने का काम किया। उन डेरा प्रेमियों का क्या कसूर था जिनको इनके मंत्रियों ने वहां बनाने का काम किया? पंचकुला में इकट्ठा किया, खाना खिलाएंगे, सेवा करेंगे। और साथियों नेते लोग जब अपने गुरु के प्रति आगे बढ़ रहे थे तो उनकी छाती से गोली मारने का काम किया। अगर जलियांवाला बाग के बाद हमारे देश के अंदर कोई सरकारी गोलियों से सबसे ज्यादा नेते लोगों की जान गई, तो इन लोगों ने पंचकुला के अंदर डेरा प्रेमियों को मारने का काम किया। साथियों इनको जवाब देने का समय आ चुका, जो कहते थे कि हम तो हरियाणा प्रदेश को समृद्ध बनाए, एक हरियाणवी एक हरियाणा का नारा लेकर आगे बढ़े, इससे पूछने का काम तो करो। एक हरियाणा एक हरियाणवी की आप बात करते हो, और 80-80 इलेक्ट्रिकल लगते हो उसमें सिर्फ 2 छोड़ते हो, 78 बाहर के जाने का काम करते हैं। आपके यहां पर 13 यूनिवर्सिटी है, 7-8 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनके 22 साल बाहर के हरियाणा प्रदेश का है। और तो और ईश्वर सिंह जी को पता है, आज तक के इतिहास में एचपीएससी के चेयरमैन कभी हरियाणा के बाहर का नहीं, ये पहली बार है बंगाल से लाकर आपके बीच में चेयरमैन बिठा दिया, जो आप लोगों के बच्चों के अधिकार के नौकरियों को भी
आज दूसरे प्रदेशों के बच्चों को बांटने का कार्य चला। साथियों, फिर लोगों को जवाब देना है, और जवाब कैसे दोगे? आप नंदे बंदूक को भी जरूरत है। आपको वोट की चोट की ताकत बहुत बड़ी है, और अगर वोट की चोट मारनी है तो फिर 21 तारीख को एक एक बटन ईश्वर सिंह जी के पक्ष में चालू होगा। ईश्वर सिंह जी को दिया गया एक एक वोट, आप सोच रहे मेरी ताकत बनकर विधानसभा में आपकी आवाज उठाना। मैं आपसे निवेदन प्रार्थना ये करने आया हूं कि हमने 5 साल खट्टर साहब के राज को देखा, 5 साल में योजनाएं शुरू करी थी। क्या क्या योजना थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हालात है? आज ही 2 घंटे पहले अपने केसर जिले के दुष्कर्म को लेकर आज 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, उसके हाथ पांव काट दिए। ये इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मॉडल है, जहां प्रदेश में हर रोज 3 रेप की घटनाएं होती है, एक मर्डर होता है, 4 डकैती होती है। ये तो वो लोग हैं जो बेटियों के नाम पर राजनीति करते हैं। इनसे पूछो कितने गलत कॉलेज खोले, कितने लड़कियों के स्कूल अपग्रेड करने का काम किया। इनसे पूछने का काम करो कि प्रदेश की बेटियों के लिए क्या स्पेशल चीज हमारे प्रदेश में इनके चलाने का काम किया। ये तो वो लोग हैं जिनने गुंडा तत्वों को अपने स्टेज पे जगह देने का काम किया। ये वो लोग हैं जिनने पना दी ऐसे लोगों को कि नशे का व्यापार हमारे प्रदेश में बढ़ा रहे हैं, और इनको जवाब कौन दे सकता है? इनको जवाब अब आप लोग दे सकते, और आपकी एकता दे सकती है, आपकी एकता का फल दे सकता है। और गारंटी देता हूं, ये मशीन का कहते हैं ना कि 75 पार कर देगी। अगर टीकार की जनता ने इतने बटन दबा दिए चाबी आए थे, जब 24 तारीख को मशीन टी टी करेगी तो फिर 75 पार भी मेरी तो एक छोटी प्रार्थना है कि सुनहरे मौके को छोड़ो पर। साथियों, नौकरियों की क्या हालत? आज ग्रुप डी कहते हैं हमने 17,000 नौकरी दे, 17,000 तो दी, पर 17,000 में क्या हालत करी? जैसे अभी चौधरी ईश्वर सिंह कह रहे थे, मैंने एमपी के बनने के बाद भी 3 डिग्री करी। आज ऐसे ऐसे एमसीए एमटेक एमबीए करे हुए बच्चों को खट्टर साहब ने क्या लगा दिया? चपड़ासी फोर्थ क्लास की नौकरी में बिठा दिया। ये तो 10वीं फेल भी कर लेता, पानी पिलाने का काम। मगर साथियों, जिन माँ बाप ने लाखों रुपए अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाए, इतनी मेहनत से अपना सब कुछ त्याग कर उनको पढ़ाए कि वो अफसर लगेगा, खट्टर साहब ने उसको क्या भर्ती कर दिया? चपरासी। साथियों, हमारा बीटेक तो चपरासी, और गुजरात का बीटेक हमारे प्रदेश में एसटी इलेक्ट्रिकल भर्ती होता है। आज ये हालत एक नौकरी की नहीं है, 7 साल हो गए एक्सपैट का पेपर हो, एक बार की भर्ती इस प्रदेश में नहीं की, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जाए। फिर पेपर क्यों कराते हैं? बच्चों को टीचर भी भर्ती करो। आज गैस टीचर देख, कंप्यूटर टीचर देख, कोई कच्चा कर्मचारी कहीं सरकार से खुश। आज हर एक को प्रताड़ित करने का काम खट्टर साहब ने, मगर अब मौका है साथियों, ये खट्टर साहब ने जितना आपको प्रताड़ित किया, आज खट्टर साहब को प्रताड़ित कर दो, और फिर डंडे बंदूकों से नहीं, सिर्फ वोट की कुछ चोट से बाहर।